भाभी भाभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए बहुत देर हो जाएगी, आपकी डिलीवरी हमें यही करानी पड़ेगी। नहीं काव्या, कुछ हो जाएगा। क्या मम्मी भैया को नहीं बचा पाए? अब ये बच्चा उनकी आखिरी निशानी है, इसे हम बचा लेंगे। हम आपसे वादा करते हैं इसको कुछ भी नहीं होगा। सांस लीजिए, कुछ नहीं होगा। बच्चा कभी भी आ सकता है, हमें हेल्प चाहिए होगी, हमें किसी को बुलाना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, पर आपको आप टेंशन में लीजिए, कुछ नहीं होगा। भाभी, भाभी, भाई। आदि, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, भाभी की डिलीवरी कभी भी हो सकती है, यहीं कहीं आसपास लेकर जाना होगा। कोई दाई नहीं है। कपड़ा आपके पास? दुपट्टा? हाँ। गरम पानी भी लेकर आइए। आदि, अगर बेबी को कुछ हो कुछ गया नहीं होगा। तुमने ये पहले भी किया है, तुम्हें याद है? हमारे बच्चे का ध्यान रखना। अपने पापा जैसा नहीं, अपनी चाची जैसा बनाना उसे। अभी पुश करना चालू करिए। नहीं, हमसे नहीं हो रहा। आदि, कम ऑन भाभी, पुश। हम तीन तक गिन रहे हैं, तीन पे आप पुश करिएगा, ठीक है? एक, एक, दो, तीन, पुश। हाँ दीदी, भाभी प्लीज कोशिश करिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर होगा। एक, दो, तीन, पुश। भाभी, लड़का हुआ है? रुक क्यों नहीं रहा? हमारा बच्चा क्या हुआ? रो नहीं रहा? क्या हुआ बच्चे? रो नहीं रहा? सांस लो प्लीज, प्लीज सांस लो। रिश्ते हैं आप दोनों। जैसे ही दोनों ने मिलकर हाथ लगाया, बच्चे में जान आ गई। मानना पड़ेगा आप दोनों की जोड़ी को। होमी भैया, आपका बेटा इस दुनिया में आ गया। भाभी, थैंक्स यू आदि, थैंक्स यू काव्या। तुमने कर दिया? हमने कर दिया।
भाभी चलिए एम्बुलेंस आ रहा है, आपको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, आइए आइए भाभी आइए। तुम हटो, तुम छोड़ दो, हम कर लेंगे, आइए। हादी तुम अकेले दोनों को कैसे संभालोगे, हम बच्चे को पकड़ लेते। काव्या तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें, जितना किया है तुमने उसके लिए थैंक यू, अब जाओ। काव्या हटो यहां से, चलिए भाभी। देखिए ना अम्मा कैसे मुस्कुरा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम बहुत ज्यादा खुश हैं आप सबके लिए। आज का दिन कितना कमाल का है, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उम्मी भैया वापस आ गए। तू यहाँ क्या कर रही है, देख नहीं रही यहाँ सिर्फ परिवार वाले खड़े? बड़ी अम्मा बच्चे का नाम क्या रखे? ओमी। बड़ी अम्मा सबसे बड़ी आप हैं, आप इसका नाम रखिए। हाँ हम भी यही कहने वाले थे ओमी। अब आइए आइए पंडित जी, सबसे पहले इस बच्चे के सर से दुर्भाग्य के उस काले बादल को हटाना जरूरी है जिसने इससे इसके बाप को छीन लिया, इसलिए पंडित जी को हमने यही बुला लिया। शुरू करिए पंडित जी। अम्मा लीजिए ना। अरे ना रे, तुम आओ पोता है, तुम ही करो, तुम्हारे हाथ से होगी जरस। चलो जल तू जलाल तू आई वाला को टाल तू। ईश्वर करे ये पनौती कट जाए और दुर्भाग्य का बादल छट जाए हमारे ओमी के सर से। इसका क्या करना है अम्मा? पंडित जी इसको ले जाके जितनी दूर हो सके ना उतनी दूर फेंक दीजिए, वरना अपशकुन हमारे परिवार पे मंडराता रहेगा। ठीक है। देखना अब आप सब लोग बाहर जाइए, माँ और बच्चे को आराम करने दीजिए। हाँ लेकिन कोई एक रुक सकता है यहाँ पे उनकी मदद के लिए? हम रुक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम अलका और उसके बच्चे के पास भी आओ। जाओ यहाँ से। चिकना खड़ा है एकदम, कुछ भी कह लो, कान में जू नहीं रहती इसके। आदि बेटा आज हम तुमको दिल से थैंक्स बोलते हैं। देखो अगर तुम समय पे नहीं पहुंचे, अलका की मदद नहीं की होती तो आज ये ओमी की आखिरी निशानी ये फूल हमें नहीं मिलता। थैंक यू बेटा, ऐसे ही काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो बस। अरे ये क्या, अलका की डिलीवरी की सारी वीडियो जो है इन्होंने अपलोड कर दी और देखो लाखों व्यूज। ये तो वायरल हो गया चाची। ये होलिका दहन वाले बुला रहे हैं भाई। आदि तुमको तो चलना पड़ेगा। हाँ हमें चलना चाहिए और भाभी को आराम भी करने देना चाहिए। ठीक ढंग से है। भाई आदि मानना पड़ेगा तुम्हारे इंटरनेट देवता को, एक रात में तुम्हें महान बना दिया। सुनो अब मुस्कुराओ और वीआईपी लोगों का हाथ उठाओ। पापा प्लीज हमें कोई नाटकबाजी नहीं करनी, नेता बन गए हो, सीखना पड़ेगा। करो 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 करो। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, पत्रकार जितने भी आए हैं और जितनी हमारी जनता आई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताने के लिए कि आपके युवा नेता आदिराज प्रधान ने करिश्माई काम किया है, करिश्माई।
मंत्री जी ने कुछ ज्यादा ही बड़ा छड़ा कर हमारी तारीफ कर दी। हमने कोई महान काम नहीं किया। हमारे जगह कोई भी अच्छा नागरिक होता तो वो वही करता जो हमने किया। सर काव्या मैडम कब तक आएंगी? हमें उनसे सवाल पूछना है। देखिए हम मानते हैं इस बात को कि काव्या ने भी हमारे बेटे की मदद की, मगर वो हाँ देखा हमने उनका वीडियो, क्या कमाल किया उन्होंने। उनका वीडियो तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। आदि जी कहीं आप अपनी शादी का सच हमसे और जनता से छिपा तो नहीं रहे हैं? मैम दैट इज नॉट ऑफ। आपने उन पे इल्जाम लगाया, उन्होंने सफाई भी दी, फिर आप दोनों ने मिलकर डिलीवरी की, तो आज वो यहाँ आपके साथ क्यों नहीं है? झगड़ा हुआ है क्या आप दोनों? रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। काव्या मैडम अभी तक क्यों नहीं आई? जवाब दीजिए, कहाँ है काव्या मैम? हमें काव्या मैम से मिलना है, हमें काव्या मैम से मिलना है। बताइए कहाँ है काव्या मैम? बताइए सर, बताइए काव्या मैम। बेटा ये नहीं मानने वाले, बुलाना पड़ेगा काव्या को। हमने कहा ना हमें कोई नाटक नहीं करना। सर बताइए कहाँ है काव्या मैम? देखिए हम यहाँ होलिका दहन के समारोह के लिए आए हैं, आपके सवालों के जवाब देने नहीं। थैंक यू। क्यों सर, कुछ बात है क्या? तलाक होने वाला है क्या आप दोनों का? देखिए हम आपसे फिर दोबारा से विनती करते हैं कि आप हमारे घरेलू मामले में सवाल जो पूछने वो उचित नहीं है। अब हम आपको बताते हैं असलियत हुई क्या है। हमारे घर में छोटा बच्चा है, अब उसकी देखभाल जो है उसकी जेठानी पूरी तरह से नहीं कर पाएगी, तो एक मदद के लिए वो काव्या वहाँ रुक गई है, बस इतनी सी बात है। सर सच बताइए आखिर मामला क्या है? मामला ये है कि आप सबको मनगढ़ंत कहानी बनाने का बहुत शौक है। आप सब क्यों बेकार में हमारी शादी तोड़वाना चाहते हैं? हम दोनों बहुत खुश हैं साथ में। हमने देखा आपका वीडियो, आपने ये सब कैसे किया मैम? डर नहीं लगा आपको? अरे डर क्यों लगेगा, हमारे पति हमारे साथ थे। जब ये साथ होते हैं ना तो हमें किसी बात से डर नहीं लगता। और वैसे भी ये पहली बार नहीं हुआ है। जब हम दोनों ट्रेनिंग में साथ थे तब गाँव में एक औरत की डिलीवरी हमने साथ में कराई थी। हम दोनों बेस्ट टीम है ना आदि? बिल्कुल द बेस्ट। हमारी बीवी जो भी करती है ना बेस्ट ही करती है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये किसी भी चीज से डरती नहीं है, डरना तो उनके दुश्मनों को है ना। मगर आपकी शादी के बारे में तो काफी अफवाहें फैल रही हैं आजकल। अरे वैसे वो अफवाहें हैं जिनका जवाब देने की जरूरत हमें नहीं है। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे रईस इंसान से भी ज्यादा लकी हम हैं, क्योंकि हमें आदि जैसा पति मिला है। बेस्ट हस्बैंड। और हमें यकीन है कि ये बेस्ट युवा नेता भी बनेंगे। आपको सच में लगता है कि भूमि की हत्या के पीछे काव्या का हाथ है? ये कैसा सवाल है? काव्या ने ओमी को धमकी दी थी, सुना नहीं था तुमने? उसको अकेले बुलाया था और उसके बाद ओमी मिला नहीं, उसकी लाश मिली। कौन मार सकता है ओमी को उसके अलावा? नहीं हम बस इतना कहना चाहते थे कि ये बच्चा सिर्फ काव्या की देन है, नहीं तो ये बच्चा भी आशा जिंदा नहीं होता। मम्मी बकवास बंद करो तुम, ये बच्चा भगवान की देन है, काव्या की नहीं। कभी मत भूलो कि काव्या मेरी बेटी की खूनी है वो, और ये बात मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। आदि सर, काव्या मैडम, ये अवार्ड हम जर्नलिस्ट की तरफ से आप दोनों के लिए। थैंक यू। पापा जी, भाई साहब, बड़ी अम्मा, आइए ना साथ में फोटो लेते हैं। आइए आइए आइए, से शर्माइए मत, और आप ना हमारे पास खड़ी होंगी। आइए। तू यहाँ क्या कर रही है?
देख नहीं रही, यहाँ पे सिर्फ परिवार वाले आके चपक के खड़े हो गए हमारे साथ। चल हट यहाँ से। बड़ी अम्मा ही देखी, ये के आपने हॉस्पिटल में मिटवा के फेंकवा दिया था और अब यही के यहाँ पे आके एक के साथ जुड़ गया है। और खुद देखिए आप, ऐसे जुड़ा है जैसे कोई अलग ही नहीं कर सकता। अगर इतना झूठा स्माइल दोगी ना तो मुंह तुम्हारा फ्रीज हो जाएगा। हमारी स्माइल तो सच्ची है, तुम अपना देखो। ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाओगे ना तो ऐसे ही वायरल हो जाओगे और फिर पॉपुलैरिटी चार्ट। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? हाँ, पर कल ना और भी मजा आएगा जब छोटे उम्मी के आने की खुशी में पूरा परिवार मिलकर खुशी खुशी होली मनाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि आज के कारनामे के बाद हम पुराना गुस्सा भूल जाएंगे तो आई एम सॉरी, तुम गलत हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ख्याली खीर बनाना बंद करो। अगर बड़ी अम्मा ने कहा है कि होली नहीं मनेगी तो नहीं मनेगी। वैसे तुम्हें एक बात बताएं, ख्याली पुलाव होता है, खीर नहीं। पर हमें खीर का आइडिया अच्छा लगा, तो फिर होली की गुजिया और खीर दोनों बनेगी, क्योंकि जिद में तो हम किसी से कम है नहीं। और अगर हमने बोल दिया है कि होली मनेगी तो मनेगी। कम ऑन हस्बैंड, छोटे उम्मी के आने और बड़े उम्मी की याद में इतना तो बनता है। ओए मयंक, ये देख, होली पार्टी के लिए टिकट मिल रही है भाई। पागल हो गया क्या? होली कौन पैसे देकर मनाता है? ओ मेरे भाई, ये ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आएंगे और तो और मुंबई और दिल्ली से सेलिब्रिटीज भी। और पता है तुझे कौन आने वाला है? शनाया खान, राजवीर कपूर। क्या टिकट कितने की है? बस 15,000। पर सोच बिजनेस के लिए कितना फायदा होगा भाई, पार्टी की पार्टी भी हो जाएगी और नेटवर्किंग भी। भाई मेरे पास फालतू पैसे नहीं है बर्बाद करने को। अच्छा तो मेरे भाई ये क्या है? अभी भी बोल रहा हूँ अनुराग को हाँ बोल दे मयंक, एक बार हमारा बिजनेस चल पड़ा ना तो कसम से कह रहा हूँ मयंक, ये छोटे मोटे खर्चे के लिए किसी के आगे हाथ फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। नहीं यार, वो सही आदमी नहीं है। माना तेरा दोस्त है पर उसने जो मेरे परिवार के साथ किया है मैं वो भूल नहीं सकता। चल बाद में मिलते हैं। अरे बेटा शर्माओ मत, हाथ दो लो पकड़ो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।